हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आप सभी का चंदा नेटिंग चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए फिर से एक नया डिज़ाइन लेके आई हूँ, जो बनाने में बहुत इजी है। सिर्फ दो सिलाई का हमारा डिज़ाइन है और टू टू के मल्टीपल में हमको इस डिज़ाइन को बनाने के लिए फंदे चाहिए। मैं दो दो कलर में बना रही हूँ, आप सिंगल कलर में भी बना सकते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट में डालिए। अब मैं आपको बना के दिखाती हूँ। इसमें मैंने टोटल दो क्या और 22 फंदे ले रखे हैं टोटल। अब मैं आपको बना के दिखाती हूँ। इसको टू टू के मल्टीपल में चाहिए तो आप उसी हिसाब से ले सकते हैं, मैंने 22 ले रखे हैं। तो हम ये पहली सिलाई है हमारी, इसको हम यहाँ से सीधा बनाएंगे। इसी तरह सीधा सीधा बनाना है हमको इसको, तो मैं इसी तरह इसको बना लेती हूँ सीधा सीधा। पूरी सिलाई हमको सेम ही करना है, कहीं कुछ नहीं करना है। बहुत इजी डिज़ाइन है, बिगनर भी आराम से इसको बना सकते हैं, बनाने में बहुत इजी है। आप किसी भी प्रोजेक्ट में, शॉल में, सॉक्स में, स्वेटर में, किसी भी में डालिए, मल्टी कलर में भी डाल सकते हैं। मैं टू कलर में बना के दिखा रही हूँ, सभी में बन के बहुत अच्छा लगता है। तो इसी तरह सीधे सीधे बनाते हुए मैं पूरी सिलाई बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। देखिए मैंने बना ली है एक सिलाई, अब ये दूसरी सिलाई हमारी सीधी, और इस साइड से भी हम सीधी ही बनाएंगे इसको। दोनों साइड से सेम ही बनाना हमको। ये दो सिलाई हमारे आगे कहीं रिपीट नहीं होंगे, ये शुरू में ही हम डाल रहे हैं। ये दो सिलाई अभी डाल रहे हैं, उसके बाद फिर आगे डिजाइन में कहीं भी रिपीट नहीं होंगी। तो इसी तरह मैं ये सिलाई भी पूरे बना लेती हूँ सीधे सीधे, दिखाते हैं। ये मैंने दो सिलाई बना ली है। अब यहाँ से हम इसमें दूसरा कलर जोड़ेंगे। दो कलर में बना रही हूँ मैं, अगर आप सिंगल कलर से बना रहे तो आप एक ही कलर से बनाइए। मैंने दो कलर में बना रही हूँ इसलिए दूसरा कलर जोड़ दिया है। तो ये धागा जोड़ लिया है, अब इसको हम पीछे करेंगे क्योंकि हमको सीधा बनाना है। देखिए इसको उतारना है और ये दो फंदों के बीच में हमको सिलाई डालनी है यहाँ, और यहाँ से बुन लेना है इसको, और ये फंदा उतार लेना, जो पहले से बना हुआ फंदा है उसको उतारना है रेड कलर का, और वाइट कलर से हमको बुनना है। दो फंदों के बीच में फंदा डालना है, सिलाई डालनी है और उसको बुन लेना है। दो फंदों के बीच में सिलाई डाल के एक फंदा उतार लेना है। दो फंदों के बीच में सिलाई डाल के इसी तरह हमको पूरी सिलाई में सेम ही रिपीट करना है। जब हम डिजाइन डालेंगे तो इसी तरह डालेगी। ये तीसरी सिलाई है हमारी, जब हमने शुरू किया था वैसे, जब हम डिजाइन डाल रहे हैं तो उसके पहले से सिलाई है। तो इसी तरह पूरी सिलाई में हमको सेम ही रिपीट करते हुए बनाते जाना है। बना लेती हूँ, देखिए मैंने यहाँ तक बना लिया है, ये लास्ट में आ गई हूँ। तो यहाँ भी हम सेम करके दो फंदों के बीच में फंदा डालेंगे और इसको उतार देंगे, और एक लास्ट का बचा है इसको बना लेंगे वाइट कलर से। अब देखिए ये इसकी उल्टी रो होगी, ये इसकी सीधी रो। तो अब उल्टी रो से हम कैसे करेंगे, ये दो फंदों का एक करेंगे, उल्टा बनाना है हमको, दो फंदों का एक करते जाना है। एक वाइट, पहला फंदा वाइट होना चाहिए, दूसरा रेड। ये दो, एक वाइट एक रेड को, ये देखिए पहला वाइट है दूसरा रेड है। इसी तरह हम ये दो दो फंदों का एक एक करते जाएंगे, उल्टा बुनेंगे हम इसको। ये उल्टी साइड है हमारी, तो हम यहाँ से उल्टा बनाएंगे इसको, और ये दो फंदे का एक करते हुए पूरी सिलाई सेम ही करना है हमको इसको। फिर आपको बार बार यही दो सिलाई रिपीट करते जाना है। पहली सिलाई हमने जो पहले बनाई थी, ये दूसरी सिलाई है, यही दो ही सिलाई आपको बार बार रिपीट करते हुए डिजाइन में बदलते जाएगा। तो इसी तरह मैं ये सिलाई भी पूरे बना लेती हूँ, सेम ही रिपीट करना है, कहीं कुछ नहीं करना है आपको इसमें।
दो का एक करते जाना है, क्योंकि हमने वहाँ से एक फंदा उतारा था, वो बढ़ गया हमारा फंदा, इसलिए हम पीछे से घटा रहे हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन भी दबा देना ताकि मेरे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। देखिए एक सिलाई हमारी ये बन चुकी है, ये इस तरह बन के आती है। अब ये दूसरी सिलाई, यहाँ से दोबारा हम डिजाइन रिपीट करेंगे, जैसे हमने पेस्ट में डाला था उसी तरह। अब कलर चेंज होगा, ये रेड कलर इसको बनाया, इसको उतारा, और यहाँ दो फंदों के बीच में डालेंगे, फिर इसको उतार के इसको बनाएंगे, इसके बीच में डाल के सेम ही जो फर्स्ट सिलाई हमने बनाई थी अभी पहली सिलाई वैसी करके सेम करना है। दो फंदों के बीच में डाल के वाइट फंदा उतारेंगे और रेड फंदे से बनाएंगे। अब हमारा कलर चेंज हो गया है, करना सेम है हमको। आप इसको सिंगल कलर में भी बना सकते हैं इसी तरह। अब बच्चों के स्वेटर में, सॉक्स में, जेंट्स स्वेटर में, ब्लाउज में, किसी प्रोजेक्ट में डालिए, सब में बन के बहुत ही अच्छा लगता है। आप मल्टी कलर में भी बना सकते हैं इसको, जैसे मैं दो कलर में बना रही हूँ तो इसी तरह मैं बना लेती हूँ पूरा। देखिए लास्ट तक आ गई हूँ सेम करते हुए, इसी तरह लास्ट वाला फंदा भी हम रेड कलर से बना लेंगे। अब इसकी बैक सिलाई है, दूसरी सिलाई है, दोबारा जो रिपीट किया हमने डिजाइन, यही दो सिलाई आपको बार बार रिपीट करना है, सेम ही करना है। ये दो फंदे, इस बार हमारा रेड पहले आएगा, जो धागे से जो कलर से हम बनाएंगे वही कलर हमारा फर्स्ट में आएगा, यही ध्यान रखना है इसमें। बस दो दो का एक करते जाना है उल्टी सिलाई में। इसी तरह मैं पूरी सिलाई बना लेती हूँ, सेम रिपीट करना है इसमें, हम कुछ नहीं करना है बाकी। बिगनर भी आराम से इसको बना सकते हैं, बहुत ही इजी डिजाइन है, लगता बहुत सुंदर है ये। सिर्फ दो ही सिलाई का हमारा डिजाइन है, दो ही सिलाई को रिपीट करते हुए हमारा डिजाइन बन जाता है। मैं बना लेती हूँ पूरा, देखिए ये दो सिलाई हमारी बन चुकी है। इन्हीं सिलाई को आपको बार बार रिपीट करते जाना है। अब हम फिर कलर चेंज करेंगे सेम उसी तरह जैसे हमने पहले बनाया था। दो फंदों के एक बीच में डालते हुए इसी तरह हम इसको बना लेंगे, फिर दिखाती हूँ बना के। देखिए फ्रेंड, बनने के बाद हमारा डिजाइन कुछ इस तरह दिखेगा। आप इन्हीं दो सिलाइयों को बार बार रिपीट करते जाइए, इसी तरह आपका डिजाइन बन के आएगा। बैक से कुछ इस तरह दिखता है हमारा ये, और फ्रंट से ऐसा दिखता है। किसी भी प्रोजेक्ट में डालिए, सब में बन के बहुत अच्छा लगता है। सिंपल सा एक डिजाइन है, आप मल्टी कलर में बनाइए, सब में बन के बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन दबा देना ताकि मेरे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।